हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुमित मौर्य है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, मैं लेकर आ चुका हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से गूगल फोटो से अपनी ली गई बैकअप फाइल को, जैसे इमेज फ़ोटो को, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि आप वहाँ से ओरिजिनल फाइल को किस तरह से डाउनलोड करेंगे, जो आपके फ़ोटोज इमेज की जो ओरिजिनल फाइल है उसको किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो इसमें मैं ये सब डिटेल से बताने वाला हूँ, और इसको आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। और साथ ही बेल को दबाना ना भूलें, और लाइक करना भी ना भूलें। और वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, अगर मैं ओरिजिनल फाइल के बारे में बताऊंगा आपको, तो ओरिजिनल फाइल क्या है, जैसे कि हम अभी अपने जो इमेज वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह का जो बैकअप ले लेते हैं गूगल फ़ोटोज़ पर, वो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि मतलब काफ़ी समय हो जाता है, तो हमें 2-4 सालों बाद हमें जब फ़ोटो की ज़रूरत होती है, या जब भी जो फ़ोटो की ज़रूरत होती है, तो जो हमें फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो जो डाउनलोड फाइल होती है उसका साइज़ कम होता है। और जब डाउनलोड ओरिजिनल पर आप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर आपका वही फाइल का साइज़ मिलेगा। लास्ट टाइम जो बैकअप लिया था आपने फाइल का, तो आपको वही ओरिजिनल साइज आपको यहाँ पर बैकअप के द्वारा डाउनलोड करने पर मिल जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, और यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक क्रोम ब्राउज़र या कोई ब्राउज़र की, जिसको क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक टैब ओपन कर लेना है। और टैब ओपन करते ही आपको यहाँ पर गूगल का होम पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सर्च पर टाइप कर देना है, और यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, गूगल फोटोज़। तो यहाँ पर आपको गूगल फोटोज़ करके एंटर कर देना है। मगर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर जैसे टाइप करके नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर आपको ये सारी फाइलें यहाँ दिखा रहे हैं, चाहे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने सर्च में टाइप किया है, तो यहाँ से भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और इसे एंटर कर देना है टाइप करने के बाद गूगल फोटोज़। और आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है गूगल फोटोज़ के, और यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा, जहाँ पर आपको गूगल फोटोज़ के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। तो यहाँ से आपको मेन अपने गूगल फोटोज़ के बैकअप पर पहुँचना है, तो उसके लिए आपको गो टू गूगल फोटोज़ पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपका आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, और यहाँ पर आपकी सारी फाइलें वगैरह खुल जाएंगी। तो इस तरह से आपके जब फाइल खुल जाएंगी, तो यहाँ पर जो भी आपकी फ़ाइल वगैरह है, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं कोई भी एक फाइल पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से अब आप अपनी कोई भी फ़ोटो का ओरिजिनल साइज और ओरिजिनल फ़ोटो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, और आपको यहाँ पर कॉर्नर पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आप यहाँ से डाउनलोड ओरिजिनल पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन है, जहाँ पर आपका ओरिजिनल साइज़ से कुछ कम साइज़ में जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो कम रहेगा, और यहाँ से डाउनलोड पर करेंगे तो आएगा। अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ कम रहेगा, और आप डाउनलोड ओरिजिन पर करते हैं, तो आपके यहाँ पर जो ओरिजिनल फाइल का साइज पहले आपने ये बैकअप लिया, तो वही साइज आपका फिर से आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओरिजिनली डाउनलोड करना चाहूँगा, तो यहाँ डाउनलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी कुछ इस तरह से, और इसको
डाउनलोड होने के बाद हम इसे ओपन करके भी देख सकते हैं कि फ़ाइल ओपन हो रही नहीं हो रही। तो इस पर इससे आप लोकेशन भी यहाँ से जा सकते हैं और डायरेक्टरी भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल को हम खोल के देख लेते हैं कि फ़ाइल खुल रही है नहीं खुल रही है। तो यहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे कि ये फाइल जो आपने पहले यहाँ से अपलोड की वही आपकी फ़ाइल आपने यहाँ से जो डाउनलोड की है उसका भी साइज सेम है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं और पहले ये देख लेते हैं कि फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो रही है नहीं हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर फाइल जो उस पर मैंने क्लिक किया है तो जो फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है और तो जो मैंने यहाँ पर फ़ोटो डाउनलोड किया था वो अभी मैंने यहाँ से ओपन करके किया देख लिया है तो यहाँ पर ये खुल रहा है। और इसके साइज को भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका साइज जो हमने डाउनलोड किया है वो उस फाइल के साइज से मैच करता है या नहीं करता है। तो यहाँ फाइल इन्फो इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फाइल है फ़ोटोज है इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कब बैकअप इसका ले रखा था और फाइल का साइज़ वगैरह क्या है, आपने किस साल में इसको फ़ोटो खींची थी, किस मोबाइल से खींची थी, सब कुछ यहाँ पर आपको ये दिखा देगा डिटेल में। तो यहाँ पर कॉर्नर पर आप देख रहे हैं फाइल इनपो खुल चुका है। तो यहाँ पर 2013 में ये फाइल खींची गई थी, ये संडे के दिन खींचा गया था और फाइल का जो साइज़ है यहाँ पर 846.5 KB है और जो साइज़ वगैरह है यहाँ पर दिया है सब। तो किस मोबाइल से खींचा है, डिवाइस का नाम वगैरह भी आ रहा है यहाँ पर, किस लोकेशन पर भी है वो भी दिखा रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर साइज़ इसका 846.5 है और इसको हम इसे यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। थ्री डॉट पर जाएंगे आप और आपको भारत भी ऑप्शन इसका मिल जाता है तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। एक्चुअली मैं उस फाइल को ही पहले बैक कर लेता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको फाइल की इन्फॉर्मेशन साइट से खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और जिस फ़ोटो को डाउनलोड किया था मैं उसी को खोलता हूँ और यहाँ पर इस फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो फाइल का साइज़ है वो यहाँ पर आपका 866.8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो मैंने फ़ोटो खोल रखी है यहाँ पर 846.5। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनलोड करने के बाद यहाँ का थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जब आप गूगल का बैकअप लेते हैं तो वहाँ पर इसका रिचार्ज वगैरह फाइल जो कुछ फाइल भी होती हैं वो भी इकट्ठी हो जाती हैं, इसकी वजह से साइज़ में डिफरेंस आ जाता है। और 826 तो यहाँ पर इस तरह से ही आप अपने कोई भी फाइल को यहाँ पर देख सकते हैं उसका साइज़ क्या है और यहाँ पर उसे चेक कर सकते हैं, फाइल इनको ले सकते हैं। तो फ्रेंड अभी आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से मैंने फ़ाइल को डाउनलोड किया, उसका फ़ाइल चेक किया और यहाँ पर आप किस तरह से यहाँ पर जो फ़ोटोज़ को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अगर तो फ्रेंड आपने अभी यहाँ पर देखा कि हमने बैकअप ली गई फाइलों को, इमेज जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं आपकी, उसको किस तरह से हमने डाउनलोड किया, साथ साथ हमने ओरिजिनल फाइल को भी किस तरह से यहाँ पर डाउनलोड किया वो भी आपने देखा। और आप अभी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे से सीख गए होंगे और बहुत से लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता भी होगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बस कमेंट भी करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि आप को दिक्कत आती है कोई डाउनलोड करने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट करूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।